दो महीने पहले ही शूरा अरबाज ने शादी की थी। अरबाज की ये दूसरी शादी थी और खान परिवार में ये तीसरी बहू थी, लेकिन अफसोस कि अब इनके बीच भी झगड़े सामने आने लगे हैं। अभी तो इनके प्यार की शुरुआत ही हुई थी कि अब इनके बीच भी झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा शूरा की पर्सनल लाइफ से छेड़छाड़ होने पर हुआ है। जी हाँ, शूरा ने अभी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया गया है, छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद शूरा ने अपनी किसी फ्रेंड की मदद से अपना ये अकाउंट ठीक करवाया। और यही बात अरबाज को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, ऐसे किसी को कैसे अपनी पर्सनल चीज की डिटेल दे सकती हो। दोनों के बीच काफी बहस हुई। शूरा अरबाज लगातार पार्टियों में दिख रहे थे, डेट पर स्पॉट किए जा रहे थे, लेकिन जब से इनके बीच झगड़ा हुआ तब से दोनों बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। आज वैलेंटाइंस डे पर भी दोनों बहुत दूर हैं, जबकि इनका आज पहला वैलेंटाइंस डे है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जरूर सलीम खान की वजह से कुछ हुआ होगा, क्योंकि इनकी शादी से पहले ही सलीम खान इनसे खुश नहीं थे। कहा जा रहा था क्योंकि सलीम खान का मानना है कि जब जब उन्होंने अपने घर की बहुओं को छूट दी है, तब तब उनका घर बर्बाद हुआ है। मलाइका के अच्छे संबंध थे, लेकिन मलाइका ने जिस तरह से अरबाज और उनके परिवार का दिल तोड़ा और फिर वो चली गई, उसके बाद से हर कोई नाराज है। उसके बाद सुहेल खान की भी शादी नहीं टिकी है। अब जब अरबाज ने शूरा से दूसरी शादी की है, क्या अरबाज की ये शादी टिक पाएगी? क्या सलीम खान को तीसरी बहू का सुख मिलेगा? अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान 6 फरवरी से ही वैलेंटाइंस डे बनाने में मदहोश हैं। वैलेंटाइंस डे 6 फरवरी से शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि अरबाज शूरा इस डे का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों का जब से निकाह हुआ, ये दोनों अक्सर कैमरे के सामने जबरदस्त बॉन्ड दिखाते हुए कैद हुए। वहीं अब अरबाज ने बीवी शूरा के साथ इंस्टा स्टोरी पर एक रोमांटिक फोटो शेयर किया। इस फोटो में एक कपल मैचिंग कपड़ों में एक दूसरे की बाहों में खोए दिखाई दिए। शूरा और अरबाज के निकाह को महज 1.5 महीना ही हुआ है। बीते कुछ महीने में ये कपल बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक कपल की तरह कैमरे में कैद हुआ। कभी शूरा अरबाज को देखकर शर्माती नजर आती हैं, तो कभी बीबी शूरा के साथ अरबाज ब्लश करते दिखाई दिए। वहीं अब इस प्यार में डूबे कपल की रोमांटिक और कोजी फोटोज भी वायरल होने लगी है। इन फोटो में ये दोनों कपल एक दूसरे की आंखों में डूबे दिखाई दिए। इस फोटो में शूरा और अरबाज ऑरेंज कलर के मैचिंग टी शर्ट पहने हुए नजर आए। इस रोमांटिक फोटो को अरबाज इंस्टा स्टोरी पर हार्ट वाले आइकन के साथ शेयर कर चुके हैं। इससे पहले अरबाज ने शूरा के बर्थडे पर लंबे चौड़े पोस्ट के साथ रोमांटिक फोटो भी शेयर की थी। लेकिन अब कहना होगा कि आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर क्या करने वाले हैं दोनों, क्या स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं अपनी पत्नी शूरा को अरबाज। अरबाज खान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को बड़ा झटका दिया है। हाल ही में अरबाज शूरा डिनर पर गए थे। जब से इनकी शादी हुई है, हर रोज ये बाहर घूमते दिखाई देते। पेपराजीज की नजर इन्हीं पर होती है, और फिर इनकी शादी का ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, दोनों लगातार लंच डिनर पर दिखते हैं। जब ये रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, तभी शूरा अरबाज की किसी चीज को लेकर बहस होने लगी। दोनों उसी रेस्टोरेंट में मुंह जोरी करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अरबाज शूरा का हाथ पकड़कर खींचातानी करते दिखाई। दरअसल शूरा गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर अकेली निकल रही थी। अरबाज ने उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और पेपराजीज के डर से बात का पतंगड़ न बने इसलिए बाहर जाने से रोका, लेकिन शूरा अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर सकी। शूरा इसको कुछ और ही समझ बैठी, गुस्से से बाहर निकलती दिखाई दी। अब सवाल ये, क्या ये छोटे छोटे झगड़े तलाक का कारण बन जाएंगे? क्योंकि अरबाज की शादी के अभी 2 महीने भी नहीं बीते और इनके बीच झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं सलीम वाली बात भी याद आ रही है। शादी के बाद से लगातार शूरा को देखकर सलीम का डर सामने आता जा रहा है। सलीम ने पहले ही कहा था, अगर ज्यादा छूट देंगे तो डोर हाथ से निकल जाएगी, यानी वो बुर्का और नकाब वाली दुल्हन चाहते थे। लेकिन अरबाज ने बहू को पहले ही दिन से बाहर निकलना शुरू कर दिया था और बाहर इनका झगड़ा भी होने लगा। बेशक शूरा को सेलिब्रिटी वाली आदत नहीं होगी, उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि जरा सी गलती की वजह से उनके खान परिवार की बदनामी हो सकती है, और वही हुआ। अरबाज शूरा को समझा ही रहे थे, लेकिन उनकी ये वीडियो गलत मैसेज दे रही है। लोग इनके अलगाव वाली बातें करने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि मलाइका के संग भी अरबाज ऐसे ही झगड़े किया करते थे, लेकिन कभी इनके झगड़े बाहर नहीं दिखे। तलाक के बाद भी इनके अलग होने की वजह सामने नहीं आई।